स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक वायरल क्वेश्चन वाले वीडियो में। आज हम लोग संस्कृत का वायरल क्वेश्चन यानी 100% सही आपको पता है कि इसी चैनल पर आपको मिल रहा है। साथ ही इस वीडियो में आपको संस्कृत का 100% बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन जांच पड़ताल करके और सही आंसर के सब्जेक्टिव के साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि आप परीक्षा देने जाते हैं तो बेहतर अंक ला सकते हैं, साथ ही आप अपनी 10वीं बोर्ड की तैयारी के बारे में सारी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ये आपका संस्कृत है, देख सकते हैं, जो कि कल परीक्षा है 30 जुलाई को और इसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पर 100% सभी के सभी सही जवाब यहाँ पर दिया जा चुका है, जो 100% सही है। कहीं से किसी भी सवाल में किसी प्रकार की डाउट नहीं है, कन्फ्यूज नहीं हो सकता है, तो एक दो सवाल इसमें नहीं दिया होगा आंसर जो कि कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरह से आउट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न यही है आपका। बोर्ड एग्जाम से आप यहाँ पे स्कूल वाले एग्जाम से आप आएंगे तो इसमें मिलान कर सकते हैं आप कि यही कुछ पूछा गया या फिर नहीं। और बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा में भी इससे प्रश्न काफी मिलेगा, इसलिए आप इसका इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्न को जरूर देखें। हम एक एक प्रश्न का जवाब बताएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, राम श्याम च पठक वाक्य में अव्यय पद कौन सा है जी? तो इसमें अव्यय पद जो है आपका च हो जाएगा, च। अब यहाँ पे अगला सवाल है, ज का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है, यानी च वर्ग, च छ ज झ ज्ञ, च वर्ग में जो भी आता है सभी का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तीन है, किस शब्द में नी उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है आपका निया में। प्राग काष्ट में उपसर्ग क्या है? तो चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रा। इस प्रकार से आप सभी का सभी आंसर यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में कर सकते हैं। सभी का ऊपर आंसर भी दिया जा चुका है, तो आप आंसर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। नीचे कुछ ग्रुप दिया गया, जिस ग्रुप में जल्दी से आप ज्वाइन हो जाए, सीट लिमिट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन सबसे पहले वायरल मिलेगा। साथ ही बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन वायरल होता है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो उसका प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, साथ ही हमारे इस पोस्ट के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है, गूगल पे चलना है और कहीं भी जाकर के आप इस बात को सर्च कर सकते हैं। किसी भी साइट पे जाने के बाद आपको माधव एनसीईआरटी क्लासेस आपको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा। हमारे सामने देखिए सारा चीज ये ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च किए हुए रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे माधव एनसीईआरटी। जब हम इस बात को सर्च करते हैं तो हमारे सामने देखिए एनसीईआरटी क्लासेस, या फिर आप थोड़ा अशुद्ध भी सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐसा वाले पेज खुलकर आएगा जहां पे आपको इस तरह के देखने को मिलेगा। इस पे क्या करना है, सिंपली आपको छोटा सा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो आना है सिलेबस वाला में जाना है। देखिए इस वाला सिलेबस वाला में आइएगा तभी जाके आपको वायरल क्वेश्चन मिलेगा, 9th 10th सभी का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है संस्कृत देखने के लिए, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ चुका है जिसमें देख रहे हैं कि 100% सही ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। कुछ सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे नहीं दिया जा चुका है जिसे जल्द ही अपडेट किया जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर के बार बार जरूर चेकआउट करते रहे, चेक होने के बाद आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। चलिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा चुका है, सभी का ऊपर आंसर दिया जा चुका है। हम आपका काफी समय नहीं लेना चाहते हैं, आप तैयारी अच्छा से करें, बेस्ट करें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और आसान हो सके और आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छा हो सके। और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखें क्योंकि इससे आपके बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। पीडीएफ के रूप में भी आप चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे SST डाउनलोड, यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं, नीचे भी लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इस वीडियो में कुछ छूट गया है या हमें पूरी तरह से क्वेश्चन को बताना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।